नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरजे न्यूज राजस्थान में। जी हां, आज एक दुख भरी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां राजस्थान के मारवाड़ ने एक मजबूत पैराफोर को खो दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है। आज जोधपुर में अंतिम संस्कार होगा, तो आरजे न्यूज की पूरी टीम की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। आप भी उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो आपको बताते हैं कुछ जसवंत के बारे में। जी हाँ, भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे जसवंत सिंह 9 बार सांसद चुने गए। जसवंत सिंह अटल बिहारी सरकार में वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री भी रहे थे। भाजपा के संस्थापक सदस्य और कद्दावर नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसवाल का रविवार तड़के दिल्ली में निधन हो गया। वे 6 साल से कोमा में थे। वे 82 वर्ष के थे। जसवंत सिंह वर्ष 1980 से लेकर 2014 तक संसद में दोनों में किसी एक सदन के लगातार सांसद रहे। अपनी पुस्तकों के कारण विवादों के घेरे में भी रहे, लेकिन हर बार इन्हें मजबूती के साथ उभर कर सामने आए। उनके अंतिम संस्कार में आज दोपहर के बाद एयरपोर्ट रोड स्थित उनके फार्म हाउस पर किया जाएगा। जसवंत सिंह के निधन के साथ ही मारवाड़ ने अपना एक कद्दावर नेता ही नहीं बल्कि एक मजबूत पैरोकार भी खो दिया। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पूर्व जसवंत सिंह ने पार्टी के समक्ष अपनी इच्छा जताई थी कि यह उनका अंतिम चुनाव होगा और उन्हें अपने पैतृक संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर से टिकट दिया जाए, लेकिन भाजपा के भीतर चली उठापटक के कारण उनका टिकट कट गया और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कर्नल सोनाराम को प्रत्याशी बना दिया गया। टिकट कटने से नाराज जसवंत सिंह बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़े। देश के कुछ एक चर्चित चुनाव में भी शामिल रहा। यह दिगर की बात है कि जसवंत चुनाव हार गए। इसके कुछ माह बाद दिल्ली में अपने बाथरूम में नीचे गिरने के कारण उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। उसके बाद से वे लगातार कोमा में चल रहे थे। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। अब आपको बताते हैं कि लगातार सांसद रहे थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह वर्ष 1980, 1986, 1998, 1999, 2004 में 5 बार से राज्यसभा के सदस्य रहे। वहीं 1990, 1991, 1996 और 2009 में लोकसभा के सदस्य रहे थे। खासियत की बात यह रही कि वे संसदीय क्षेत्र में बदलने के बावजूद आसानी से चुनाव जीतते रहे। उन्होंने वर्ष 2012 में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन यूपीए के प्रत्याशी हमीद अंसारी के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो वाजपेयी के खास सलाहकार रहे थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह हमेशा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विश्वस्त रहे। उन्हें वाजपेयी का मुख्य सलाहकार माना जाता था। वे केंद्र में रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री भी रहे थे। वर्ष 1998 में देश के परमाणु परीक्षण के बाद वैश्विक स्तर पर अलग अलग पड़े भारत की स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी वाजपेयी ने जसवंत को सौंपी। उन्होंने देश को निराश नहीं किया। वर्ष 2004 से 2009 तक वे राज्यसभा के विपक्ष के नेता रहे थे। कई बार विवाद के घेरे में भी घिरे। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद जसवंत सिंह ने पत्र लिखकर पार्टी के भीतर इस हार का खुलकर चर्चा करने की मांग की। इससे विवादों के घेरे में आ गए। इसके कुछ सप्ताह पश्चात उनकी एक पुस्तक बाजार में आई। इस पुस्तक में उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना के प्रति सहानुभूति दर्शाई थी। जसवंत ने लिखा कि देश के विभाजन के लिए जिन्ना नहीं बल्कि नेहरू जिम्मेदार थे। इसके बाद वे पार्टी अलग थलग पड़ गए। सिंह अपनी एक और पुस्तक से विवाद में आए। सिंह ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान उनके कार्यालय में अमेरिका के लिए जासूसी हो रही थी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनके नाम का खुलासा नहीं करने को कहा, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। 9 साल सेना में रहे। भैरव सिंह के कहने पर राजनीति में एंट्री। जी हाँ, एक आपको बड़ी बात से रूबरू करवाते हैं कि जसवंत सिंह 1957 से 1967 तक सेना में रहे और साल 1965 के युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया। सेना से रिटायर्ड होने के पश्चात जोधपुर महाराजा गज सिंह के सलाहकार बन गए। जसवंत सिंह साल 1977 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के कहने पर राजनीति में एंट्री की। उनके दिशा निर्देशन में आगे बढ़े। साल 1980 में भाजपा के गठन के समय तक वे अग्रणी भूमिका में आ चुके थे। तो दोस्तों, यह था जसवंत सिंह के बारे में। और आज उन्होंने अंतिम सांस दिल्ली में ली। 6 साल से लगातार कोमा में रहे। तो आज न्यूज उनको श्रद्धांजलि देता है। आज न्यूज की पूरी टीम की तरफ से उन्हें सत सत नमन। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में किसी बड़ी हाईलाइट के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।